हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। जैसा कि आप सभी को पता है कि संडे को हर वीक मैथ का टेस्ट रहता है, ठीक है ना। और लास्ट वीक में आपका टेस्ट नहीं हो पाया था क्योंकि परसेंटेज एंड नहीं हो पाया था प्रॉपरली। तो अब क्या है, तीन तीन टॉपिक जो थे करंट में वो हो चुके हैं। तो आज उन सभी टॉपिक से रिलेटेड आपका एक टेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया है। इस टेस्ट को बहुत ही अच्छे से दीजिए और क्वेश्चन करके अपने आंसर बताते रहिए, और साथ ही हम उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको करके दे देंगे, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग पॉज करिएगा, पॉज करके अपना आंसर निकालिए, आंसर निकाल के आप आंसर बताइए, ठीक। और टेस्ट को अच्छे से दीजिए और लास्ट में अपने स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको कितने स्कोर गेन हुए हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर कभी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलती है तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि मैथ की क्लास जो होती है वो डेली 9 बजे अपलोड हो जाती है, ठीक है, रात को 9 बजे। तो उसकी टाइमिंग भी आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर कर देना है। क्वेश्चन फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन फर्स्ट को पढ़िए। चलिए पहले आज का टॉपिक देख लीजिए क्या क्या है। आज का टॉपिक है परसेंटेज, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस एंड एवरेज, ठीक है। इन तीनों टॉपिक के क्वेश्चन आज के टेस्ट में लिए गए हैं। अब आते हैं क्वेश्चन वन पे। क्वेश्चन वन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन को पढ़िए, ऑप्शन देखिए और ऑप्शन देख करके आंसर बताइए, ठीक है। वीडियो को आप लोग पॉज कर लीजिए, पॉज करके आंसर बताइए, तब तक मैं इसको करती हूँ। एक विक्रेता वस्तु की कीमत को 20% बढ़ा देता है तो उसके उपभोक्ता में 10% की कमी आ जाती है, तो उसकी आय पर प्रभाव बताइए। आपको क्या बताना है, उसकी आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को कराने के लिए हमने बहुत ही अच्छे से ट्रिक आपको बताई थी। कैसे करते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 20% को लिखना है। 20% इसमें से हटा देंगे तो इसको नंबर में आपको चेंज कर लेना है। नंबर में चेंज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा, 0 0 कट गया और 2 5 क्या आ जाएगा, 10। 20% को सॉल्व किया, 1/5 आ गया। उसी तरह से आपको 10% को सॉल्व करना है, 10% को सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा, ठीक है। ये बताया था, इसके बाद क्या आपको बताया था, 20% बढ़ा देता है तो यहाँ पे आपको एडिशन का साइन लगा देता है, और 10% कमी आ जाती है तो यहाँ पे क्या कर देना है, माइनस का साइन लगा देना है, ओके। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या बताया था, ये जो होता है ये मूल संख्या होती है, तो हमें पहले कर लेना है मूल संख्या। तो मूल संख्या को आपका कर लेना है मल्टीप्लाई 5 × 10, ठीक है, कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। उसके बाद जो बढ़ा या घटा है उसको आपको कर लेना है, तो 5 में 1 बढ़ गया, कितना हो गया, 6 हो गया, और 10 में 1 कम हो गया तो कितना हो गया, 9 हो गया। तो 9 × 6 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, 54, ठीक है। अब बाद वाली जो संख्या आई है वो मूल संख्या से कम है या ज़्यादा है, तो बाद वाली संख्या मूल वाली संख्या से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, और कितने में से, मूल संख्या यानी कि 50 में से, तो आपको गुणा कर देना है इसमें 100 से, ठीक है। इसको कैंसिल कर लीजिए, 5 × 10 तो कितना आ गया, 8%, और 8% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, क्यों, क्योंकि मूल वाली जो संख्या है वो बाद वाली संख्या जो है वो मूल वाली संख्या से ज़्यादा है, ठीक है ना। क्लियर हुआ, जो बाद वाली संख्या है वो मूल वाली संख्या से ज़्यादा है इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वृद्धि, अदरवाइज क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। यहाँ तक क्लियर हो गया, तो इसका आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि 8% की कमी आ जाए, 8% की वृद्धि हो जाएगी उसकी आय पर, ओके, 8% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन आपको पास है, जल्दी से बताइए, वीडियो को आप पॉज करके आंसर दीजिए, ओके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फिर। एक कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 घंटे में अपनी दूरी तय करता है, यदि यह दूरी 8 घंटे में तय करनी हो तो कार की गति क्या होनी चाहिए। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 घंटे में अपनी दूरी को तय करता है, यदि यही दूरी उसको 8 घंटे में तय करनी होगी तो कार की गति क्या होनी चाहिए। कैसे करेंगे, सबसे पहले हमको दूरी निकाल लेनी है कि दूरी कितनी है। तो दूरी बराबर क्या होता है, 4 × समय होता है। दूरी बराबर क्या होता है, 4 × समय। चाल कितनी है, 80 है। समय कितना दिया है, 10 घंटा दिया है। तो दूरी कितनी आ गई, 800। 800 वो भी क्या, किलोमीटर में, ठीक है। तो दूरी आ गई 800 किलोमीटर। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब उसके बाद क्या पूछा है कि समय, कार की गति क्या होनी चाहिए यदि समय 8 घंटा हो। तो बस आपको स्पीड निकालनी है यानी कि चाल निकालना है। दूरी पता है आपके पास कितना है, 800 किलोमीटर। दूरी को रखिए, बटे में क्या कर देना है, समय कर देना है। तो दूरी बटे में समय कर दिया तो कितना आ जाएगा, ये कैंसिल होकर के 100 किलोमीटर प्रति घंटे, कितना आ गया, 100 किलोमीटर प्रति घंटे। तो अगर 8 घंटे में उसको पहुंच जाना हो, 8 घंटे में दूरी तय करनी हो, तो उसको अपनी स्पीड बढ़ानी होगी, और स्पीड कितनी कर लेनी होगी, तो स्पीड करनी होगी 100 किलोमीटर प्रति घंटा, ओके। तो ऑप्शन क्या करेक्ट है इसका, इसका ऑप्शन करेक्ट है 2nd, ओके। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है।
सभी के मोस्टली राइट आंसर आ रहे हैं। ओके चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप जल्दी से उस क्वेश्चन को भी करके बताइएगा। ओके तो क्वेश्चन थर्ड अब आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन थर्ड को पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। पूरा क्वेश्चन क्लियर है आपको? ओके चलिए पढ़ते हैं फिर, आप लोग वीडियो को पॉज करिए, पढ़ के आंसर दीजिए, उसके बाद फिर हम बताते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। दो कार ए और बी 55 किलोमीटर की दूरी पर हैं और एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। ए और बी क्या है, दो कार हैं और दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पे हैं, तो 55 किलोमीटर की दूरी पर हैं और दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। ओके उन कार की चालों का जो अनुपात है वो 5:6 है और एक ही कार की जो चाल है वो 75 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो वे कितने समय में एक दूसरे से मिलेंगे, इसको आपको बताना है कि वह कितने समय में एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है चलिए एक चीज़ और समझ लीजिए इसमें, अगर जब भी एक दूसरे की तरफ आ रहे होंगे ना तो उन दोनों की चालों को जोड़ देंगे, और जब भी एक दूसरे से दूर जा रहे होंगे तो उनकी चालों को क्या करेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे, यानी कि चाल घट जाएगी। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, इस क्वेश्चन को करने से आपको समझ में आ जाएगा। ओके तो क्या पूछा है यहाँ पे, कितने समय में एक दूसरे से मिलेंगे, ओवरऑल आपको समय निकालना है। उनके चालों का अनुपात दिया है 5:6, चाल का अनुपात दिया है 5:6, एक ही चाल पता है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5 का जो रेशियो है वो 75 है। यहाँ से आप समझिए 5 का रेशियो 75 है तो एक का रेशियो कितना आ जाएगा, 75/5 करेंगे तो कितना आएगा 15, एक का रेशियो कितना आ गया 15 बार में गया। ठीक है तो एक का जो रेशियो है वो अगर 15 है तो 6 का रेशियो कितना हो जाएगा, बताइए जल्दी से 6 का रेशियो कितना हो जाएगा, तो 6 का रेशियो हो जाएगा 90, 15:6, 90। यहाँ तक क्लियर हो गया, चाल का अनुपात दिया था और एक ही चाल पता थी तो इससे हमने रेशियो से निकाल लिया, कितना आ गया 1:15। जैसे ही 1:15 पता चल गया तो हमने बी की चाल भी निकाल ली, तो ए और बी की चाल आपको पता चल गई है। अब वो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो दोनों की चाल को जोड़ देंगे और ऊपर लिखा हुआ है कुल दूरी, तो आपको समय निकालना है, तो देखिए क्या करना है। ओके तो आप देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझिए, समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे में चाल। ठीक है समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे में चाल, दूरी कितनी है 55 किलोमीटर। अगर वो दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे तो उन दोनों की चाल क्या होगी, जुड़ जाएगी, तो 75 + 90 कितना हो जाएगा 165 हो जाएगा, 75 + 90 कितना हो जाएगा 165 हो जाएगा। ठीक है इसको आप कैंसिल करिए, 11 से जाएगा, 11 + 55, 11 + 1 = 11 और 5 × 12 11 + 55। ठीक है फिर 5 से काटिए, 5 × 3 = 15, तो 1/3 आ गया घंटा। ठीक है 1/3 आर यानी कि घंटे लगेंगे, समय आ गया किस में आ गया, आर में आ गया, पर ऑप्शन में आपको किस में दिया है, मिनट में दिया है, तो इसको मिनट में चेंज कर लीजिए, 1/3 में आप गुणे कर दीजिए किसे, 60 से, तो आपका मिनट में आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना मिनट आ गया, तो 20 मिनट इसका क्या हो जाएगा आंसर करेक्ट हो जाएगा, कितना मिनट हो जाएगा करेक्ट 20 मिनट। ओके तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, 20 मिनट। समझ में आ गया क्वेश्चन अच्छे से? ओके तो चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन को पढ़िए और जल्दी से आंसर दीजिए। ठीक है क्वेश्चन को पढ़ लिया, क्या है क्वेश्चन, यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल एवं परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल एवं परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको बताना है। कैसे करेंगे, बस वही ट्रिक आपको अप्लाई करनी है जो हमने प्रतिशत में आपको बताया था, परसेंटेज को चेंज कर लेना है नंबर में, जैसे हमने परसेंटेज को नंबर में चेंज कर लिया बस यहीं पे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या बोल रहा है, बढ़ा दिया गया है। ठीक है जो पहले बार में आता है वो क्या होती है, मूल संख्या होती है, जो सबसे पहले आती है वो क्या होती है, मूल संख्या होती है। ओके तो ये बढ़ा दिया गया है तो यहाँ पे हमें क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है। अब चलिए समझिए, जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। अब भुजा क्या कितनी आ गई, मूल भुजा 5 आ गई, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया। अब जो बढ़ी हुई संख्या है यानी कि 5 में 1 जोड़ देंगे, यहाँ पे क्या है बढ़ा दिया गया है, तो 5 में 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। दोनों में डिफरेंस देखिए कितने का है, दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 25 और 36 में डिफरेंस कितने का है 11 का है, 11 और बटे किससे करेंगे, मूल संख्या करेंगे। ठीक है यहाँ पे लिख लिया हमने 11 और बटे में कर दिया मूल संख्या, मूल संख्या 25 थी तो बटे में मूल संख्या, गुणे कर देना है आपको 100, बस आपका आंसर आ गया। और एक चीज़ और, वृद्धि हो रही है कमी हो रही है, तो देख लीजिए यहाँ पे जो मूल संख्या से दूसरी वाली संख्या है वो क्या है, ज़्यादा है तो वृद्धि होगी, तो 25 इसको काटिए, 25 × 100 आ गया और 11 × 4 कितना हो गया 44 हो गया, तो 44% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। कितने प्रतिशत की, 44% की वृद्धि हो रही है, किसमें, क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल तक समझ में आ गया,
तो क्षेत्रफल में 44% की वृद्धि हो रही है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए? इसमें भी 44 है, इसमें भी 44 है। अब हमें देख लेना है परिमाप। तो परिमाप में क्या होता है, जितने प्रतिशत भुजा को बढ़ाया जाता है उतने प्रतिशत परिमाप में भी चेंज होता है, परिमाप में भी प्रभाव पड़ता है। तो भुजा को कितने प्रतिशत बढ़ाया गया है? 20%। तो परिमाप में भी कितने प्रतिशत का प्रभाव आएगा? यानी कि 20% की वृद्धि हो जाएगी परिमाप में भी। तो अब आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, यानी कि क्षेत्रफल में 44% की वृद्धि होगी। क्षेत्रफल में 44% की वृद्धि होगी और परिमाप में कितने प्रतिशत की प्रभाव पड़ेगा? तो परिमाप में 20% का ही प्रभाव पड़ेगा। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया? क्वेश्चन को एक बार पूरा फिर से देख लीजिए। क्लियर है आप सभी को एकदम अच्छे से? पूरा इसका सॉल्यूशन भी आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें फिर? चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो क्वेश्चन 5 अब आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन 5 को पढ़िए, क्या है क्वेश्चन? यदि कोई व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है तो उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो औसत चाल को ज्ञात करने का हमने क्या फॉर्मूला बताया था? अगर इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो औसत चाल कैसे होती है? तो इस तरह के क्वेश्चन में जब वो जा रहा है और वापस आ रहा है, दूरी सेम है, तो दूरी सेम है तो आपको औसत चाल निकाल लेनी होती है 2xy अपॉन में x प्लस वाई से। किसे? 2xy अपॉन में x प्लस वाई से, जब दोनों की दूरी सेम रहेगी और कुछ स्पीड से वो गया और कुछ स्पीड से वापस आ गया। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करके आंसर बताइए जल्दी से। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 2 × 30 × 10 डिवाइडेड बाय 30 + 10 यानी कि 40 हो जाएगा। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, दो से कैंसिल करेंगे, चार को दो दिनी चार और फिर 30 बचाए ऊपर, दो से इसको काट दीजिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी क्या है? औसत चाल है। ठीक है, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो गई? औसत चाल हो गई। यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से? तो इसका आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, यानी कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन को पढ़िए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन। परीक्षा में पास होने के लिए 33% अंकों की आवश्यकता है। यदि किसी विद्यार्थी को 210 अंक मिले और वह 21 अंक से फेल हो गया तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है, ये आपको बताना है। जिसने भी प्रतिशत वाला वीडियो देखा होगा या फिर नहीं भी देखा होगा तो इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से आप लोगों को करने का ट्रिक होगा, जल्दी से करिए फिर। और जिसने देख रखा है तो उसको तो और जल्दी से करके देना है आंसर। ओके, तो चलिए करते हैं। 33% बोला है क्या है? अंकों की आवश्यकता पड़ती है परीक्षा में पास होने के लिए, 33% अंकों की आवश्यकता है। तो 33% अंक बराबर हो जाएंगे किसके? 210 अंक उसको मिले, किसी विद्यार्थी को कितने अंक मिले? 210 अंक मिले और वह कितने अंकों से फेल हो गया? तो 21 अंकों से फेल हो गया, यानी कि इसमें अगर 21 अंक को हम और जोड़ देते तो वो 33% के बराबर हो जाता, यानी कि पास हो जाता। समझ में आ रही नहीं यहाँ तक बात? एक 210 अंक उसको मिले और 21 अंक से फेल हो गया, यदि उसको 21 अंक और मिल जाते हैं तो वह पास हो जाता, यानी कि उसके बराबर हो जाते 33% के। तो हमने यहाँ पर वही कर लेना है, 33% बराबर 210 प्लस 21 कर दिया तो 33% का मान कितना आ गया? 231 आ गया। ठीक है, 231 आ गया। 33% पता चल गया, आपको निकालना है पूर्णांक, तो 100% इसका निकाल दीजिए। 100% क्या हो जाएगा? 231 डिवाइडेड बाय 33 इंटू 100 कर देना है, इससे आप इसको कैंसिल कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 7 बार में जाएगा। ठीक है, तो इसका पूर्णांक कितना आ गया? इसका पूर्णांक हो जाएगा 700। इसका पूर्णांक क्या हो गया? 700 इसका पूर्णांक हो गया। है कोई ऑप्शन? तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि 700 का पूर्णांक है परीक्षा का। और परीक्षा का पूर्णांक कितना है? 700 का है, उसका आप 33% निकालो तो 33% क्या आएगा? 231 आएगा, इसलिए उसको 210 अंक मिले थे तो वह 21 अंक से फेल हो गया था। यहाँ तक क्लियर सभी को? नहीं समझ में आएगा तो आप लोग एक बार बैक करके देख लीजिएगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा सारा चीज। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 अब आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन को पढ़िए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए की आय बी से 25% अधिक है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है, ये आपको बताना है। क्या होना चाहिए इसका आंसर? चलिए करते हैं फिर। जब भी प्रतिशत में आपको नंबर दिखे और इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे प्रतिशत को आपको चेंज कर लेना है किसमें? संख्या में। हमने चेंज कर लिया प्रतिशत को संख्या में, 25 चौका कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, 1/4 आ गया। और 25% क्या बोला था यहाँ पे? अधिक है तो आपको यहाँ पे एडिशन का साइन लगा लेना है। हो गया, इतना कर लिया, बस आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पे क्या बोला, देखिए बढ़ गया है, अधिक हो गया है तो बस 1/5। ऊपर वाली संख्या को हम लोग एज इट इज रखते हैं
और नीचे वाली संख्या में क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्या को जोड़ लेते हैं। तो 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये आ गया और हमको निकालना है कि ए से कितने प्रतिशत कम है। तो प्रतिशत अब आपको लगाना है तो 100 से गुणा कर दो। यहाँ पे प्रतिशत हटाना था 1/100 से हमने भाग, समझिए अच्छे से, यहाँ पे प्रतिशत हमको हटाना था तो हमने 100 से भाग दे दिया था। अब हमको वापस प्रतिशत लगाना है क्योंकि आंसर किसमें देना है, प्रतिशत में देना है, तो हमें 100 से गुणा कर लेना है। तो बस गुणा करिए, 5 × 10 आ गया क्या, 20% कम है। तो आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा आपका, 20%। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो 20% कम है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को, तो चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस स्क्रीन पे है क्वेश्चन, एड को पढ़िए। क्या क्वेश्चन है, ए तथा बी की चाल का अनुपात जो है वो 3:4 है। किसी स्थान पर पहुंचने में यदि ए को बी से 20 मिनट अधिक लगे तो ए को कितना समय लगेगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी हमने आपको करवाए हैं। ए तथा बी की चाल 3:4 है, किसी स्थान पर पहुंचने में ए को यदि बी से 20 मिनट अधिक लग रहा हो तो ए को कितना समय लगेगा। आपको ये बताना है ए को कितना समय लग जाएगा, कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। चाल का अनुपात कितना है, चाल का अनुपात है 3:4, तो आपको निकाल लेना है समय का अनुपात। समय का अनुपात क्या हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट यानी कि 4:3 हो गया। यहाँ तक क्लियर हुआ, ए को बी से 20 मिनट अधिक लगता है तो दोनों का डिफरेंस आपको पता कर लेना है। दोनों के डिफरेंस कितने का है, 4 और 3 में 1 रेशियो का डिफरेंस है। यही जो 1 रेशियो आ रहा है वो बराबर है किसके, 20 मिनट के। तो 1 रेशियो बराबर हो गया 20 मिनट के, तो आपको किसका समय पूछा है, ए का समय पूछा है, तो ए का क्या है, 4 रेशियो है। तो 4 × 20 कर लीजिए, इतना मिनट लगेगा। तो कितना मिनट लगा उसको, 80 मिनट लगेगा ए को। है कोई ऑप्शन करेक्ट, मिनट में तो ऑप्शन ही नहीं है, तो कैसे करेंगे इसको, घंटे में बदलिए फिर। तो 80 बटे में आपको 60 कर लेना है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, घंटे में चेंज हो जाएगा। काटिए, 0 0 कट गया, 2 × 8 और 2 × 3 6 कितना आ गया, 4/3 r, 4/3 r, ये आपका आंसर करेक्ट हो गया। अब इसमें से देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, यानी कि 3 × 1 = 3 + 1 = 4। तो ऑप्शन सेकेंड आपका करेक्ट है, 4/3 घंटे। ओके, क्लियर हो गया। इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से करिएगा, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन 9 पे। क्वेश्चन 9 अब आपकी स्क्रीन पे है, पढ़िए क्वेश्चन को क्या है। ए प्लस बी का 30% बराबर है ए माइनस बी के 50% के, तो बी ए का कितने प्रतिशत के बराबर है, बी ए का कितना प्रतिशत होगा। सबसे पहले आपको सॉल्व करके निकाल लेना है ए और बी का अनुपात। जैसे ही ए और बी का अनुपात पता चलेगा बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो चलिए चलते हैं, ए प्लस बी का 30% यानी कि 30/100 बराबर है किसके, ए माइनस बी के 50% के, यानी कि 50/100। 100 से 100 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, क्या बचा, 3 बचा। इसका आप मल्टीप्लिकेशन कर लो अंदर, 3a + 3b इज इक्वल्स टू 5a - 5b। ठीक है, ए और ए को एक साइड कर लेना है, बी और बी को एक साइड कर लेना है, तो ये 5 इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 8b इज इक्वल्स टू 2a के बराबर हो गया। 8b बराबर कितना आ गया, 2a आ गया। तो ए और बी का आपको अनुपात पता चल गया, कितने अनुपात में है, 4:1 के अनुपात में है ए और बी का अनुपात। ठीक है, ए और बी का अनुपात कितना है, 4:1 है। अब क्या पूछा है, बी ए का कितने प्रतिशत है, तो हमने इसके लिए क्या बताया था, जिसके बाद का लगा होता है उसको नीचे रखते हैं। तो किसके बाद का लगा है, बी के, ए के बाद का लगा है, तो ए को आपको रख लेना है नीचे, ऊपर क्या रख देंगे, बी को गुणे कर देंगे 100 से, तो क्या आ जाएगा, प्रतिशत आ जाएगा। तो बी का मान कितना है, देखिए 1 है, 1/ a का मान कितना है, 4 है, तो 4/ गुणा कर देंगे 100 से, 4 से इसको काट लीजिए, जो कितने बार में गया, 25 बार में। तो इसका आंसर क्या आ गया, 25%, यानी कि ऑप्शन 4 आपका करेक्ट है। बी ए का कितने प्रतिशत के बराबर है, तो वो है 25% के बराबर। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया आप सभी को, तो चलिए चलते हैं फिर आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन 10 आपकी स्क्रीन पे है। देखिए क्वेश्चन को क्या है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन क्लियर है ना। ओके, तो क्वेश्चन को पढ़िए। 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी, आपको ये बताना है। तो कैसे करने के लिए बताया था, जब भी रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन हो तो आपको देख लेना है कि वह कहाँ से पार कर रही है, किसको पार कर रही है। अगर व्यक्ति पेड़ या खंभे को पार करेगी तो जो कुल दूरी होगी वो हो जाएगी सिर्फ रेलगाड़ी की लंबाई,
और अगर पुल, सुरंग या फिर प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो दोनों की जो लंबाई होगी पुल की और रेलगाड़ी की, उसको हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है, तो वो बराबर हो जाएगा कुल दूरी के। यहाँ पे रेलगाड़ी किसको पार कर रही है, तो लंबे पुल को पार कर रही है, तो दूरी क्या हो जाएगी, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई। और आपको चाल दिया है या समय पूछा है, तो बस समय वाला फॉर्मूला लगाइए, समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे में चाल। समय बराबर क्या हो गया, दूरी बटे में चाल हो गया। दूरी कितनी हो जाएगी, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 280 प्लस 120, 280 प्लस 120 कितना हो गया, 400 हो गया। बटे में क्या कर देना है, 20, तो बटे में हमने कर दिया 20। अब देखिए यहाँ पे भी मीटर है और यहाँ पे भी मीटर प्रति सेकंड में दिया है, तो हमें चेंज करने का कोई दिक्कत ही नहीं है। 0 से 0 कैंसिल, 2 से इसको काटिए, 20 बार में गया, तो समय कितना हो गया, 20 सेकेंड। तो 20 सेकेंड इसका क्या हो गया, समय हो गया। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया, एकदम अच्छे से समझ में आया, तो इसका आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 4 इज द राइट। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट है, 20 सेकेंड। समझ में आ गया यहाँ तक, ओके। तो होप सो आप सभी अपने स्कोर करके जल्दी जल्दी बता दीजिए कि आप सभी के स्कोर कितने हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, जल्दी से आप लोग एक बार स्कोर बताइए, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। ओके, जल्दी से स्कोर बताइए। ओके, वेरी गुड, काफी लोगों के अच्छे स्कोर हुए हैं। ठीक है, काफी लोगों ने अच्छे स्कोर किया है। ओके, तो चलिए फिर यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।